नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार एक का सवाल है क्वेश्चन से इज अ व्हीकल ऑफ मास एम इज़ मूविंग ऑन अ रफ ऑर्जेंटल रोड विद मोमेंटम पी इफ द कोविशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी तो अगर आपका कोई ट्रक है या कोई मास है वो पी uh, मोमेंटम से जा रहा है अब हमें ये बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा uh, वो मोमेंटम के टर्म में उसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल सवाल है हमें ये बात पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसको हम चेंज इन कारेंटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स लिखते हैं ये कैसे ये किसी एक uh, वॉलेट ये कैसे आए एक बार इसको फटाफट डिराइव कर लेते हैं अगर हम थर्ड इक्वेशन लिखें तो थर्ड इक्वेशन हम कहते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस अगर मैं टू से इधर डिवाइड कर दूँ और वन से और एम से मल्टीप्लाई कर दूँ सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इन टू ए इंटू एस ये आपका फोर्स हो गया ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी चेंज इन कारेंटिक एनर्जी हो गई तो इससे हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन कॉनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय फोर्स ना यहाँ पे हम कॉनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम के टर्म में लिखें तो हम एक और चीज़ जिसको हम काफ़ी पॉपुलरली यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि कॉनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम सो ये एक पार्टिकल के लिए कॉनेटिक एनर्जी हम पी स्क्वायर बाई टू एम भी लिख सकते हैं सो so इसी को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो थोड़ा सा डेटा मैनुपलेशन का उस तरह का सवाल है तो कॉनेटिक एनर्जी को हमने लिखा पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम अच्छा जो एफ है यहाँ पे जो आपका फोर्स होएगा उसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी राइट सो बेस्ड ऑन दिस इसको अगर हम यूज कर लें तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया है तो एस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू एम स्क्वायर जी हाइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर राइट इसी सवाल को अगर हम देखेंगे तो डायमेंशनली भी अगर हम देखना चाहें तो हम इसमें से गलत आंसर ढूंढ सकते हैं गलत आंसर हम एलिमिनेट कर सकते हैं बट मैं चाहूँगा कि आपको प्रॉपर करना भी आता हो अ